हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे भरवा करेला। तो चलिए देख लेते हैं भरवा करेला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमने लगभग 500 ग्राम करेला लिया है, 2 कटी हुई प्याज, 2 हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन, अमचूर पाउडर हम लेंगे आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर हम लेंगे आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला हम लेंगे आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर हम लेंगे 2 छोटे चम्मच, नमक लेंगे आधा छोटा चम्मच। तो चलिए अब हम भरवा करेला बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेले को हमें छील लेना है। ये देखिए, इस तरह करेले को हमें छील लेना है। इसी तरह से सभी करेलों को हमें छील लेना है। तो ये देखिए, करेले को हमने छील लिया है और उसके बाद एक पानी से हमने इसे धो लिया है। तो चलिए अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं, यानी कि प्याज लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट में हमें सभी मसालों को मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं। तो सबसे पहले मिलाएंगे अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और नमक। अब इसे हम अच्छे से बढ़िया मिलाएंगे। तो ये देखिए, पेस्ट हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम करेले में मसाला भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेले को हमें ऐसे बीच से एक कट लगा देना है। ये देखिए इस तरह। इसी तरह से सभी करेलों को हमें कट लगा देना है। तो चलिए अब हम करेले में मसाला भर देते हैं। जितना मसाला उसमें आएगा उतना ही आराम से भरेंगे। तो इसी तरह से सभी करेलों में हमें मसाला भर लेना है। तो ये देखिए, सभी करेलों में मसाला भर चुका है। अब कढ़ाई हमें गैस पर रखनी है। तो चलिए अब हम कढ़ाई में एक एक करके करेला रख देते हैं। इसमें हम तेल बाद में डालेंगे, तो पहले करेले को हम ऐसे पूरा बिछा देंगे। और ये सब हम लोहे की कढ़ाई में कर रहे हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बढ़िया जो है भरवा करेला बनेगा। अब हम जो है तेल इसमें डालेंगे, चारों तरफ से डाल देंगे। इससे क्या होगा कि सभी करेलों में तेल बढ़िया लग जाएगा। एक चम्मच और डाल देते हैं। तो 2 चम्मच हमने इसमें तेल लिया है। अब हम गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब इसको हम पलट के देख लेंगे कितना पका है। ये देखिए, एक तरफ लगभग हमारा पक चुका है। तो इसको अब हम पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी पक जाए। तो इसे लो फ्लेम पे रहने देंगे गैस को, और 5 मिनट के लिए हम और ढक देंगे। तो आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कितना हमारा करेला पका है। तो ये देखिए, काफ़ी हमारा पक चुका है। अब जिस साइड ना पका हो उस साइड अब हम अच्छे से पका लेंगे।
तो फिर से इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, तो हमारा करेला अब पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस भरवा करेला को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए भरवा करेला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे आप लोग भी बनाइए और खाइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको देखने को मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।